अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम TMCQs में पार्ट 26 डिस्कस करेंगे और आज के MCQs में भी पांच MCQs हैं 121 से 125 तक। जो 121 नंबर पर MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि टिनियापीडिया इज सीन एमंग, टिनियापीडिया का इन्फेक्शन जिस्म के कौन से हिस्से में देखा जा सकता है या कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें इस टिनियापीडिया का इन्फेक्शन होता है। तो वो लोग जो ज़्यादातर ठंडे इलाकों में रहते हैं या वो लोग जो जुराबे और जो शूज़ हैं उसका इस्तेमाल करते हैं या वो लोग जो बग़ैर शूज़ के चलते हैं फिरते हैं या वो लोग जो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, हॉस्पिटल्स में पेशेंट के तौर पर एडमिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर बी। टिनियापीडिया का इन्फेक्शन उन लोगों में ज़्यादातर होता है जो जुराबे और शूज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जो 122 नंबर पर MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि मॉन्टॉक्स टेस्ट जो किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो उसमें हम पैमाइश लेते हैं उस एरिया का जहाँ पर मॉन्टॉक्स रिएजेंट लगाया जाता है, तो हमारे पास इन ड्यूरेशन कितनी होगी तो हम इसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ऑप्शंस हैं, अगर 10 नैनोमीटर होगा तो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, 6 to 9 मिलीमीटर होगा तो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, लेस देन 5 मिलीमीटर होगा या मोर देन 20 मिलीमीटर होगा तो हम इसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो ये याद रखें कि जब भी मॉन्टॉक्स टेस्ट में, जब मॉन्टॉक्स का जो रिएजेंट होता है वो जब इंजेक्ट किया जाता है स्किन के अंदर, उसकी इन ड्यूरेशन जब 10 नैनोमीटर तक आती है और उस जगह पर रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है या बाज़ औक़ात उस जगह में ख़ारिश भी होती है, इचिंग भी होती है, तो हम एक पैमाने की मदद से, एक फुट की मदद से हम उस जगह की पैमाइश लेते हैं और अगर 10 नैनोमीटर से इन ड्यूरेशन आ रही हो तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है। अभी 123 नंबर पर जो MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि एओर्टा एराइजेज फ्रॉम, एओर्टा किस जगह से, हर्ट के किस रीजन से उठता है, एराइज होता है, निकलता है। तो ऑप्शन है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर डी, लेफ्ट वेंट्रिकल से, क्योंकि हर्ट का जो सबसे पावरफुल चैम्बर होता है वो यही लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। जो 124 नंबर पर MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि प्रोटीन पोर्शन एंजाइम में उसका नाम क्या है, एंजाइम में एक प्रोटीन पोर्शन होता है उसका क्या नाम है। ऑप्शन है एपो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर या को एंजाइम। और यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर ए, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। आखिरी MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट अ WBC, कौन सा नीचे चार ऑप्शंस में ऐसा सेल है जो कि असल में वाइट ब्लड सेल नहीं है। ऑप्शंस हैं न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, मोनोसाइट या फिर थ्रोम्बोसाइट। और ऑप्शन नंबर डी इसमें दुरुस्त है, जो कि प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट को हम WBC में शुमार नहीं करते, इसको हम WBC में इंक्लूड नहीं करते। बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।